मुंबई में स्थापित एक्टर कॉमेडियन बेतिया निवासी प्रियेश सिन्हा की अगली फिल्म कमबख्त कैरियर इस साल रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को बेतिया और नेपाल के कई जगहों पर शूट किया गया है। मनोज वाजपेयी की सूल फिल्म के बाद बेतिया में ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसकी शूटिंग यहाँ हुई है। ज्ञातव्य हो कि कमबख्त कैरियर में यहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी पूरा मौका दिया गया है। यह फिल्म दिसंबर महीने में OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रिलीज की जाएगी। फिल्म के डायरेक्टर भी प्रियेश सिन्हा ही हैं। साथ में मुख्य कलाकार हैं स्वाति वर्मा, आर्टिस्ट सोनल, राइटर भासु सिन्हा, अनिल सिन्हा, सीनियर कलाकार एनके सागर, सुशील बाबा, शिवशंकर, सुनील सिपाही, हरि नारायण, म्यूजिक डायरेक्टर करण वाही, चंदन आदि शामिल है। कमबख्त कैरियर यूपी बिहार के 3 बेरोजगार युवकों की कहानी है जो पढ़ाई के बाद जॉब नहीं मिलने से परेशान हैं। सोसाइटी, गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स सबके प्रेशर के बीच कई हास्यास्पद स्थिति बनती है जिसमें वे फंसते हैं और निकलते हैं, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। ये एक घटना उनके जीवन का रुख बदल देती है और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये बड़ी एक फिल्म हम लोगों ने बनाई है, कॉमेडी फिल्म है, कमबख्त करियर इस फिल्म का नाम है। और ये फिल्म 3 बेरोजगारों के ऊपर में है जो हर यूपी बिहार के बच्चों की कहानी है, बल्कि ऐसा कहें कि भारतवर्ष के हर राज्य के बच्चों की कहानी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक पढ़ाई 10th 12th और ग्रेजुएशन तक तो स्मूथली बच्चे कर जाते हैं और उसके बाद समझ नहीं आता है कि आप कैसे अपने करियर को बनाएं। और इस उपापो में वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसको बाद में देखने पे मालूम पड़ता है कि यार इसमें तो बड़ी फन बातें हैं, बड़ी हंसी मजाक की बातें हैं। इस फिल्म का नाम है कमबख्त करियर। कमबख्त इसलिए क्योंकि करियर बनाना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम। कितने दिनों से ये शूटिंग हो रही है? ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर में लिखा था और तैयारी वैयारी हमने 1 महीने तक किया और शूल फिल्म की शूटिंग पूरी जो मनोज वाजपेयी जी ने बेतिया में कराई थी। हमारी इच्छा थी कि हम भी बेतिया में कोई हिंदी फिल्म उसके बाद नहीं हुई तो करें, भोजपुरी फिल्मों का निर्माण तो हो रहा था, तो मैंने पूरी फिल्म की शूटिंग बेतिया में और नेपाल के आसपास में किया है और पूरी शूटिंग में 20 दिनों का समय लगा और अब फिल्म बिल्कुल बन के रेडी है और दिसंबर के महीने में हम लोग इस फिल्म को रिलीज करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। दिसंबर में डिजिटली इस फिल्म को हम रिलीज करेंगे और आप इस फिल्म को अपने घर बैठे देखें।